पाकिस्तान को पराजित करने के बाद भारत की महिला टीम आज एक बार की चैंपियन वेस्टइंडीज के सामने होगी और उसकी कोशिश होगी कि वो इस विश्व कप में दूसरी जीत हासिल करें। दोनों टीमों में किस टीम का पलड़ा भारी है, हालिया रिकॉर्ड क्या कहता है और भारतीय टीम में क्या कोई चेंज होगा, इन सभी बातों पर आपसे बातचीत करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला होना है महिला टी20 विश्व कप में। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से पराजित किया था, तो दूसरी तरफ वेस्टइंडीज अपने पहले मैच में इंग्लैंड की टीम से 7 विकेट से हारा था। तो ये एक बड़ा फर्क है और इसका आप कह सकते हैं कि भारतीय टीम जहां जीत के बाद ये मैच खेलेगी, वहीं वेस्टइंडीज की टीम एक हार झेल चुकी है और उसके बाद वो और हार बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने जा रही है। अगर हम हालिया रिकॉर्ड की बात करें तो जो आखिरी 5 मैच की हम बात करें तो 5 मैच भारत ने ही जीते हैं और जो हालिया ट्राइंगुलर सीरीज हुई थी दक्षिण अफ्रीका में ही, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और भारत के बीच, उसमें भी भारत ने वेस्टइंडीज की टीम को दोनों ही मुकाबले में पराजित किया था। तो ये जो हालिया रिकॉर्ड है वो भारत के पक्ष में है, लेकिन इस हालिया रिकॉर्ड के आधार पे आप ये नहीं कह सकते कि ये मैच बिल्कुल केक वॉक होने जा रहा है, मुकाबला होगा। अगर हम ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच 20 टी20 इंटरनेशनल खेले गए हैं, जिसमें 12 मैचों में भारतीय टीम जीती है और 8 मैचों में वेस्टइंडीज की टीम जीती है। तो वहां पर आपको एक फाइट दिखता है। अगर हाँ, हालांकि जो आखिरी 5 मैच हैं उसमें भारत का दबदबा रहा है। तो ये तो हो गई आंकड़ों की बात, लेकिन अगर हम बात करें इस मैच में और दोनों टीमों की शक्ति और कमजोरी की तुलना करने जाएं, तो देखिए वेस्टइंडीज की टीम को जो है बैटिंग अच्छी करनी होगी, ये उनके सामने बड़ी चुनौती है। जो इंग्लैंड के साथ मैच हुआ उसमें हालांकि हेली मैथ्यूज जो कि उनकी कप्तान है, उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी, 40 से ज्यादा का स्कोर किया था। इसके अलावा कैंपबेल ने भी अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन भारत के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो जो है स्टेफनी टेलर है, अनुभवी खिलाड़ी हैं, काफी दिनों से खेल रही हैं और भारत के खिलाफ खेलना उन्हें पसंद है, भारत के खिलाफ उनका जबरदस्त रिकॉर्ड है। तो वहां पर टेलर से बच के भारत को रहना होगा और टेलर के खिलाफ आपको कुछ वैसी ही योजना लेकर आनी होगी जैसी आपने जो है निदा डार के खिलाफ, पाकिस्तान की जो अनुभवी खिलाड़ी थी, उसके खिलाफ बनाई थी। तो हालांकि टेलर पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ नहीं चल सकी थी और सिर्फ 3 रन बना सकी थी, लेकिन आप उन्हें कम करके आंकने की भूल नहीं कर सकते। एक अच्छी बात वेस्टइंडीज की टीम के साथ ये है कि उसके पास ऑलराउंडर्स की भरमार है और अगर हम बात करें तो कप्तान हेली मैथ्यूज की मैंने बात की, वो बैटिंग तो अच्छा करती ही हैं, गेंदबाजी भी ठीक ठाक कर लेती हैं। इसके बाद चिनले हेनरी हैं, वो भी जो है ऑलराउंडर हैं। जेदा जेम्स, इनको लेकर बहुत हाइप क्रिएट किया जा रहा है और इन्हें जो है फियरलेस फ्यूचर ऑफ वेस्ट इंडीज माना जाता है, तो इनके प्रदर्शन पर भी सबकी निगाहें होंगी। दूसरी तरफ अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या स्मृति मंधाना आज के मैच में वापसी करेंगे। पहला मैच वो फिंगर इंजरी की वजह से नहीं खेल पाई थी, तो भारतीय टीम चाहेगी कि इस महत्वपूर्ण मुकाबले में, चूंकि आप वेस्ट इंडीज की टीम सकते, वो टीम अपने दिन पर किसी भी टीम को हरा सकती है और बहुत आप कहते हैं ना टीम के बारे में आप कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, कभी भी वो बेहतर खेल जाती है और कुछ भी कर सकती है। तो इसीलिए स्मृति मंधाना का इस महत्वपूर्ण मैच में फिट होना बहुत जरूरी है और स्मृति का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के खिलाफ बेहतरीन रहा है, तो इसलिए भी भारतीय टीम को स्मृति की जरूरत है। अब स्मृति आती हैं तो किसके जगह पर आती हैं ये देखना है। अगर ऐसे हम देखें तो लगता है कि आस्तिका भाटिया की जगह पर उन्हें टीम में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कपल ऑफ चेंजेस और हो सकते हैं,
क्योंकि राधा यादव और राजेश्वरी गायकवाड़ दोनों ही लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, तो हो सकता है कि आप देविका वैद्य को लेकर आए ताकि वो एक लेग स्पिन का ऑप्शन आपको दे सकें। देविका बल्लेबाजी भी कर लेती हैं। इसके अलावा जो एक और टेम्पटेशन है कप्तान हरमनप्रीत के लिए, वो है कि शिखा को टीम में लेकर आए, वो तेज गेंदबाजी का एक ऑप्शन दे देती हैं और बल्लेबाजी भी वो काम चलाव कर लेती हैं। कुछ ये फेर बदल हो सकता है, और अगर इसमें से कोई खिलाड़ी आती हैं, अगर देविका आए या शिखा आए, तो हो सकता है कि हरलीन को बाहर बैठना पड़े, तो ये हो सकता है। सारा ध्यान अभी जेमिमा रॉड्रिगेज पर होगा। जेमिमा ने जिस तरह का प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ किया है उसके बाद उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा। शेफाली ने भी पहले मैच में कमाल की बैटिंग की, और पहले मैच में आप देख ऑलमोस्ट जितने भी बैटर भारतीय टीम के तरफ से उतरी सभी ने अपना योगदान दिया था। यास्तिका भाटिया ने 17 रन बनाए थे, हरमनप्रीत ने 16 रन बनाए थे, जेमिमा रॉड्रिगेज ने तो कमाल का प्रदर्शन किया था। इसके अलावा ऋचा घोष की अगर आप बात करें तो ऋचा घोष की पारी तो बिल्कुल एक नायाब पारी थी, बहुत ही आक्रामक पारी थी और जिसने पाकिस्तान को मैच से बाहर कर दिया था। तो ऋचा घोष कैसा खेलती है उस पर भी बहुत निर्भर रहने वाला है, क्योंकि वो एक ऐसी बैटर हैं जो कि रन गति को सडनली जो है बहुत आगे तक लेकर जा सकती हैं। हालांकि दोनों टीमों में से अगर हम इस तरह की बात कर रहे हैं तो गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में भी खास करके स्पिन में भारत का पलड़ा भारी दिखता है, क्योंकि दीप्ति शर्मा जैसा अनुभवी बॉलर आपके पास है जो कि पावर प्ले में अपने 2-3 ओवर डाल देता है और फिर उससे कप्तान आखिरी ओवर करवाती है। पाकिस्तान के मैच में आपने देखा होगा तो कितना उन पर विश्वास है और वो किस कैटेगरी की खिलाड़ी हैं इसे सहज ही समझा जा सकता है। तो भारतीय टीम मजबूत टीम है, बहुत बैलेंस टीम है, और उसके सामने वेस्ट इंडीज का टिकना आसान नहीं होगा। अगर वेस्ट इंडीज कुछ करता है भारतीय टीम के खिलाफ, अच्छा करता है या भारतीय टीम को पराजित करने में सफल होता है, तो उसे आप उलट फेर ही कह सकते हैं। भारतीय टीम का दूसरा मैच आज जीत सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मैच में स्मृति मंदाना भी खेलेंगी और हरमनप्रीत के बल्ले से भी कोई बड़ा स्कोर आएगा, इसकी हम सभी उम्मीद कर रहे हैं। भारतीय टीम को हमारी शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।